केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज यानी रविवार को चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बने 24/7 जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। अमित शाह जमकर विपक्ष पर बरसे। इस दौरान उन्होंने कहा, विपक्ष को जो कहना है कहने दीजिए, 2029 में फिर एनडीए की ही सरकार आएगी। विपक्ष के जो लोग कहते हैं कि 5 साल सरकार नहीं चलेगी, उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि मोदी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि विपक्ष को जो कहना है कहने दीजिए, 2029 में एनडीए आएगी, मोदी जी आएंगे। उन्हें नहीं पता कि कांग्रेस को 3 चुनाव में जितनी सीटें मिली थी उससे कहीं ज्यादा सीटें इस चुनाव में बीजेपी ने जीती है। ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। व्यक्ति, कोई एक संगठन, कोई एक दलों का समूह पूर्ण बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बन रहा है। एक प्रकार से देश की जनता ने मोदी जी के कामों पर थप्पा लगाने का काम किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चैचे करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए, 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। उनको लगता है कि कुछ सफलता मिलने से हम चुनाव जीत गए हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती, ये इनको मालूम नहीं है। और उनके पूरे गठबंधन की टोटल जितनी सीटें हैं, अकेली एनडीए के एक ही दल बीजेपी की इनसे ज्यादा सीटें हैं। मैं, ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूं, उनको, विपक्ष के मित्रों को, जनता को तो भरोसा है ही, न केवल सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख लेना।